Assalamu alaikum, good evening and welcome to Nishtar Park Sports Complex जहाँ पे रमजान सीरीज का ये दूसरा दिन, हॉकी इवेंट्स का इनफैक्ट ये दूसरा दिन जहाँ पे मैच खेला जाएगा, पूल बी का साहिवाल डिवीजन वर्सेस डेरा गाजी खान डिवीजन। अब ज़ाहिर है कि जहाँ तक तौरकी डार साहब का ताल्लुक है, ये भी एक अपनी ज़ात में अंजुमन है और ये उस खानवादे से इनका ताल्लुक है जिसमें मुनीर डार, तनवीर डार, तफसीर डार और ख़ुद तौकीर डार किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और ये एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर हमें बताएंगे कि खेल में क्या कुछ हो रहा है इस दौरान अटैक करते हुए, और ये उनकी इनफरादी कोशिश थी और अच्छी कोशिश की उन्होंने लेकिन ऑफ टारगेट था। डीजी खान के खिलाड़ी अब अटैक करते हुए 25 गज की लाइन के अंदर दाखिल हुए हैं। अच्छा थ्रू पास था लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं, लेकिन गेंद अब आ चुकी है साहिवाल के डिफेंडर्स के पास। जो अच्छी बात है वो ये अच्छे कदो कामत के मालिक हॉकी के प्लेयर्स हैं जिसे क्रिकेट में भी हम देखते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा फुर्तीले और ज़्यादा लगता है कि ताकत वाले हैं। आगे बढ़ते हुए अच्छी अच्छा मौका है, देखता होगा कितनी जल्दी कैपिटलाइज करते हैं। रिवर्स एक ट्राई थी, एक और ट्राई करेंगे और गेंद गोल पोस्ट से लगती हुई बाहर जा चुकी है। तो देखते हैं अब किस तरीके से इसका बचाव करते हैं साहिवाल के डिफेंडर और गोलकीपर। जी देखते हैं, ये इंजेक्टर बॉल को फेंकेंगे, फैसल ने इसको रोका, पुशर ने पुश किया और ये गोल। और जैसे हम पहले कह रहे थे कि साहिवाल की टीम जो है ऑन पेपर तो बेहतर लग रही है, लेकिन अगर वो गोल स्कोर नहीं करेगी तो उनमें फ्रस्ट्रेशन क्रीप करेगी और डीजी खान जो है उसका फायदा उठाएगी। और पेनल्टी कॉर्नर जैसे मैंने पहले कहा था बहुत बड़ा हथियार है गोल स्कोरिंग का हॉकी में। साहिवाल के फॉरवर्ड राइट लेफ्ट साइड से हमला करते हुए अच्छी ड्रिबलिंग थी लेकिन इन द एंड नीचे पुशिंग हुई, गेंद रुकी, सही तरीके से रुक रही लेकिन अभी भी कंट्रोल में है। अटेम्प्ट करेंगे, ओपनिंग देख रहे हैं, अच्छी ओपनिंग लेकिन अच्छा रिबाउंड कहना होगा गोलकीपर की जानिब से। अच्छा डिफेंस किया उन्होंने और इस दौरान अभी भी गेंद उस स्ट्राइकिंग एरिया में ही है, लेकिन अच्छी एंटिसिपेशन डीजी खान के डिफेंडर्स की। अब काउंटर अटैक करने की एक और कोशिश है डीजी खान की, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन साहिवाल के मिडफील्डर्स की। तो साहिवाल की तरफ से अब अटैक है राइट साइड से, अच्छी एंटिसिपेशन डीजी खान की। ये अच्छे मनाजर हैं, यू नो जो पासिस हैं ओपनिंग देख रहे हैं फॉरवर्ड साहिवाल के, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन, ये इंटरसेप्शन अच्छी करते हैं, इनका डिफेंस अच्छा है डीजी खान का और जवाबी हमला है अब। और आपको इसके लिए पूरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, ये अच्छी हॉकी हो रही है, छोटे और बड़े पासिस दिए जा रहे हैं। इस दौरान पुश लेकिन डिस्पोजेस कर दिया इस दौरान डीजी खान के डिफेंडिंग बैक ने। बिल्कुल आपने सही कहा जी, साहिवाल ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़ा नाम, साहिवाल डिवीजन में सिटी जी खान डिवीजन, ये हाफ टाइम में जो अब तक शूट ऑन टारगेट हुए, कॉर्नर्स हुए, पेनल्टीज हुई और फिर कार्ड दिखाए गए, तो कार्ड के सिलसिले में बड़ा डिसिप्लिन दिखाया है दोनों टीमों ने। ये लाइव हॉकी ब्रॉडकास्ट है फ्रॉम मिनी हॉकी स्टेडियम निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर। दूसरे हाफ का खेल शुरू होने को है, खिलाड़ी तब्दील हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन मौजूद रहेंगे। 15-20 मिनट बाकी हैं, क्या होता है? जी हाँ, यहाँ पर मौका है और ये पेनल्टी कॉर्नर होना चाहिए, पहले फेंकने से पहले और उस पर उनको सेंटर लाइन पे भेज दिया गया हो। और ये गोल, साहिवाल की टीम ये मैच बराबर करने में कामयाब हो गई है दूसरे हाफ के 5वें मिनट में, और उन्होंने बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया। साहिवाल ने हमला किया और डी में दाखिल हुए खिलाड़ी और ये एक और गोल हो गया, बहुत ही शानदार हॉकी मुसलसल दूसरा 2 मिनट में, और इस तरह ये खसारे से अब बर्तरी में आ गई साहिवाल की टीम और उनके हौसले बुलंद हो गए। बहुत खूबसूरत गोल अगर आप देखें, क्योंकि एक गोल की जो बर्तरी है ये मामूली समझी जाती है, इसका खुद उनको भी अंदाज़ा हो गया होगा। और ये डेरा गाजी खान ने हमला किया और ये उनको पेनल्टी कॉर्नर मिल गया क्योंकि टॉप ऑफ डी पर फाउल हुआ था।
मुश्ताक की बहुत खिदमत है जी हॉकी के लिए। यहाँ तो यहाँ पर गेंद फेंकी गई और रुकी और ये बाहर गई, से आगे निकल गए थे लेकिन सामने उनको रोक लिया गया। गेंद दोबारा मिल गई साहिवाल के राइट हाफ को। तो हम पेनल्टी कॉर्नर्स की थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि वो उस पर जाहिर है आपसे बेहतर कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता हॉकी में। तो ये पहले एक बोर्ड हॉकी स्टिक जो है उसमें बो आना शुरू हो गया और वो फ्लिक करते रहे और बहुत से गोल किए पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर फिर गोल करने का मौका है साहिवाल की टीम इस वक्त डी के अंदर ट्राई, लेकिन गोलकीपर के पैड से रखती हुई गेंद दूसरी तरफ बाहर चली गई। डेरा गाजी खान के खिलाड़ियों के लिए अपने मुखालिफों को जो खासी दिफाई हिकमत अमली उनकी जानिब से रही है और यहाँ फिर कोशिश लेकिन क्लियर करने में कामयाब हो गए बिलाखिर। और साहिवाल पूरे थ्रॉटल पे एक और गोल करने की कोशिश में है, देखते हैं क्या कामयाब होते हैं या नहीं। और ये इसी असना में एक ओपन नेट जो है वो मिस किया है हमाद ने। प्लेइंग कंडीशंस यहाँ पर तब्दील हो जाती हैं हर दूसरे टूर्नामेंट में। एक ज़माने में एक और गोल, ये मौका और गोल कर दिया, बड़ा शानदार गोल, बिल्कुल आखिरी मौके पर इसे कनेक्ट किया गया, गोल पोस्ट के सामने थे और इसे पहुँचा दिया। अगर आप वर्ल्ड हॉकी को स्टडी करें तो 56 से लेकर 84 तक तीन ओलंपिक गोल्ड और तीन ओलंपिक सिल्वर पाकिस्तान ने जीते और पाकिस्तान वादा कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है इसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा और लिहाजा पाकिस्तान की हॉकी बदतरी नीचे आ जाएगी। तौकीर डार माफ कीजिएगा। क्या इस वक्त तो साहिवाल का पलड़ा भारी है और ऐसा लगता है जैसे सेकंड हाफ में जो टीम उतारी गई है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है सर, और वो डिफेंसिव अनफोर्स एरर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिस वजह से साहिवाल जो है पूरी तरह इस वक्त छाई हुई है। या ये वो गेम है जिसमें आपको बहुत ही क्विक रिफ्लेक्सेस होना, एक और गोल हो गया यहाँ पे साहिवाल की जानिब से, तो लीड जो है वो अब बढ़ते हुए 4-1 पे चली गई है। जी हाँ, बस अब वो डिफेंसिव एरर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और साहिवाल की टीम जो है वो बहुत अच्छी मूव्स बना रही है और उसका कोई जवाब नहीं है इस वक्त। और ये एक और अटैक पे है साहिवाल इस वक्त और वो उन्होंने आउट क्लास किया हुआ है डीजी खान को। जी हाँ, ये रिजल्ट का इतना मैटर नहीं है जितना इस इवेंट का इनकार ज़रूरी था इस वक्त पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पेशली हॉकी को रिवाइव करने के लिए। और हम देख सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंट है, बट देन जैसे आप बात कर रहे थे कि डिफरेंस इन एजिलिटी, डिफरेंस इन फिटनेस। देखिए ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आज का पाकिस्तान का हॉकी प्लेयर बेरोज़गार है, आज के पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर को आपने भिखारी बना दिया है। वापस हासिल किया साहिवाल ने, आखिरी 20 सेकंड है, इनफैक्ट 20 सेकंड अब रह गए हैं। ये मूव है साहिवाल की जानिब से पेनिट्रेट करते हुए डीजी खान के हाफ में। जी, और इसके साथ ही अंपायर का ये फैसला है कि यहाँ पे मैच का वक्त मुकर्रर हुआ और मैच यहाँ पे ख़त्म हो गया है। साहिवाल ने ये मैच कॉम्प्रिहेंसिवली जीत लिया है। पहले गोल डेफिनेटली डेरा गाजी खान ने ज़रूर किया था लेकिन कम बैक किया साहिवाल ने और बहुत ही शानदार तरीके से साहिवाल की टीम उतरे, जो 8 प्लेयर उतरे उन्होंने कमाल कर दिया।